ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर बहुत बरसों से एक लंबित मसले का एक सार्थक समाधान किया, नागरिकता संशोधन कानून के जरिए। इस पर बहुत चर्चा हुई, बड़ी बहस हुई, लेकिन ऐसे असंख्य लोगों को पहली बार भारत की नागरिकता के नाते उनको सम्मानजनक जीवन जीने का हक मिलेगा, नागरिकता मिलेगी। लोकसभा में इस कानून के पक्ष में 311 वोट पड़े और विपक्ष में 80 वोट, राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 वोट और 99 वोट विपक्ष में पड़े। राज्यसभा में 6 घंटे बहस चली और सभी पार्टी के 48 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लोकसभा में भी 7 घंटे बहस हुई और इसने कानून की शक्ल अख्तियार करी। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नारकीय जीवन जी रहे थे, या जो भारत में भी अनेक स्थानों पर, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन उनमें 65% लोग मेघवाल और भील समुदाय के थे, जो यहाँ तक भी तैयार थे कि भारत में मरना पसंद होगा लेकिन वापस जाना पसंद नहीं करेंगे। तो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ। इसमें किसी किस्म की सियासत नहीं थी, लेकिन क्योंकि देश के उन मूल भारतवंशियों के जीवन से जुड़ा हुआ सार्थक मसला था, मैं बहुत विस्तार से उसके कहने की मुझे अब आवश्यकता लगती नहीं है, लेकिन इस देश में वोट बैंक की राजनीति के चलते जो परंपरागत रूप से कांग्रेस करती आई है, लेकिन जब उनका आधार खिसकना शुरू हुआ, वैचारिक रूप से उनको देश से नकारा गया और कुल मिलाकर कांग्रेस की हैसियत क्षेत्रीय दलों से भी कमजोर हुई, तो एक बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई नेता इससे बाज नहीं आ रहे। ये दीगर बात है कि इस नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर कांग्रेस के अनेक विद्वान नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा है कि देश की सर्वोच्च संसद से द्वारा पारित कानून को, जो केंद्र सूची का विषय है, उसको लागू करना प्रदेशों की संवैधानिक बाध्यता है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के नेताओं के नाम भी स्पष्ट हैं, सलमान खुर्शीद से लेके, शशि थरूर से लेके, जयराम रमेश से लेके, कपिल सिब्बल, ऐसे कई नेताओं ने समय समय पर इस बात का उल्लेख किया है। राजस्थान में भी राजस्थान की विधानसभा के माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में अपने संबोधन के दौरान इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि इस कानून को लागू करना ये किसी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का नैतिक दायित्व है। लेकिन राजस्थान की ही विधानसभा में इसी कानून के खिलाफ संकल्प पारित करवाया गया। मुझे लगता है कि एक विरोध की रस्म अदायगी तक तो ठीक है, अभिव्यक्ति के नाम पे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही प्रदेश को एक तरीके की अराजकता में धकेलने की कोशिश की, अशांति पैदा करने की कोशिश की, और किसी प्रदेश का मुखिया इतना अभिमानी हो जाए कि सर्वोच्च सदन से पारित उस संवैधानिक कानून को इस रूप में चुनौती दे कि उसमें सारी मर्यादाएं तोड़ दें। और इसका ताजा तरीन उदाहरण अभी पिछले दिनों देखने को मिला। परसों आप पधारे शहीद स्मारक पर, जहां पर शहीदों की याद में स्मारक बना हुआ है, वहां पर कुछ लोग आए, राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, उन्होंने उसको शाहीन बाग का नाम देने की कोशिश की। उन्होंने नाम दिया वो तो ठीक है,
लेकिन खुद मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने श्री मुख से शाहीन बाग कहा, मैं ये मानता हूं कि ये शहीदों का अपमान है। इस तरीके के बयानों से, इस तरीके की मानसिकता से प्रदेश का मुखिया यदि किसी शहीद स्मारक को शाहीन बाग कहता है तो इससे मुझे लगता है कि कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वहां गए और जाने के बाद जिस तरीके की बातें उन्होंने कही, वो बातें गौर करने लायक हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम से जो मुझे आशंका लगी है और जो मेरी चिंता है, एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते, राजस्थान में ये क्रम कई जगह शुरू हुआ और जब कोई मुख्य व्यक्ति इस तरीके का उपक्रम करता है तो उसको उस अवसर का लोग लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। पिछले सवा साल से राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, आप ही उजागर करते हो। दुष्कर्म से लेके, बलात्कार से लेके, डकैती से लेके, हत्या से लेके, तमाम इस किस्म की घटनाएं लगातार हुई। राजधानी सुरक्षित नहीं है और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र जोधपुर भी सुरक्षित नहीं है। इतने अपराध हुए, लगभग 2.5 लाख मुकदमे पहली बार दर्ज हुए। राजस्थान अपेक्षाकृत शांत प्रदेश माना जाता था, लेकिन इस सवा साल में राजस्थान हिंदुस्तान के अशांत प्रदेशों में गिनती होनी शुरू हो गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात का स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। ये जब क्रम शुरू हुआ तो राजस्थान में अनेक स्थानों पर इसी तर्ज पर धरने शुरू हुए। उन धरनों में टोंक में 21 जनवरी को, मैं यहां उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन आप वीडियो देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय और असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया और वहां के जब कुछ लोगों ने प्रशासन को इस बात का उल्लेख किया कि ये जो बात कही जा रही है ये देश की मर्यादाओं के विपरीत है, वहां के प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, उन्होंने एफआईआर की कोशिश की तो एफआईआर नहीं ली गई, मेरी अभी भी बात हुई, तो वो दूसरा कानूनी रास्ता ढूंढ रहे हैं कोटा के अंदर। इस तरीके के अनेक स्थानों पर इस तर्ज पर धरने शुरू किए। इन धरनों में लोगों ने वहां पर गुजरने वाले महिला और पुरुषों के साथ असभ्य व्यवहार शुरू किया। इसी तरीके से पिछले दिनों आपके सामने मैंने इसका उल्लेख किया था और केंद्रीय स्तर पर इसका उल्लेख बार बार आया, नेशनल मीडिया में काफी चीजें आई हैं। पीएफआई के जरिए इस देश में ऐसी फंड ट्रांसफर करके उन लोगों को पोषित किया जा रहा है जिसके कारण ये अशांति फैल रही है बराबर, और इसका उल्लेख बराबर हुआ है अनेक जगह कि किन लोगों के खातों में कितना पैसा कब कब ट्रांसफर हुआ है। तो निश्चित रूप से इनके कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और जब इस तरीके के धरनों को मुख्यमंत्री की अगुवाई में मैं देखता हूं कि उनके कारण हौसला अफजाई होती है और पीएफआई का कनेक्शन जब साफ दिखता है, तो इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस तरीके के पैसों का उपयोग निश्चित रूप से इस तरीके के धरनों में होता है। राजस्थान इस बात का गवाह है कि यहां पर इससे पहले भी सिमी के लोग कई बार गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियां करते हुए पकड़े गए हैं। सिमी का और पीएफआई का कनेक्शन ये भी जाहिर सा है, आप उसको ढूंढोगे तो नजर आ जाएगा। तो जब सिमी का कनेक्शन है, पीएफआई का कनेक्शन है और उसको शहीद स्मारक पर शाहीन बाग का दर्जा मुख्यमंत्री देते हैं तो ये बड़ा शर्मनाक है। हमें इस पर सख्त आपत्ति है। केवल वोट बैंक के लिए कोई प्रदेश का मुखिया इतना गिर जाए, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं कि इस तरीके की बातों के बारे में उन्होंने जो कही है। दूसरा जो पक्ष है वो जब मुखिया इस तरीके की बात करेगा तो जो अराजक तत्व हैं वो भी आएंगे और उनके साथ साथ जिस तरीके से राजस्थान को एक तरीके की शहरगाह बना दिया कि जिग्नेश मेवाणी भी उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आएगा, चंद्रशेखर रावण भी आएगा। और चंद्रशेखर रावण क्या कहते हैं कि हम राजस्थान में और देश में ऐसे 5,000 शाहीन बाग बना देंगे। तो राजस्थान धर्मशाला है क्या?
उनको बनाने की इजाजत कौन देगा, उनके पीछे कौन है, कौन कहलवा रहा है। इस तरीके की जो बातें कही गई, जो उमर अब्दुल्ला आया जिसका कनेक्शन सीधा सीधा टुकड़े टुकड़े गैंग से था, उमर खालिद ने जब ये बात साफ तौर पर कही तो ये इंडिकेट करता है, इस बात का साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं ये सारा एक नेटवर्क है। और मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि इनके सरगना मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी सरपरस्ते में इस तरीके की कार्यवाही होती है, उनको इस बात से भी ये इल्म नहीं है कि राजस्थान के ही 65% मेघवाल और भील जिन लोगों को नागरिकता मिलेगी। एक तरफ तो वो बात कहते हैं दलितों के उत्थान की और दलितों के हकों की, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सियासत ये पहली बार उन्होंने राजस्थान में करी। एक विचित्र सी बात उन्होंने समय समय पर कही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो बात कह रहे हैं वो किसी संवैधानिक पर पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की बात कहना मैं तो वाजिब मानता नहीं हूँ, गुमराह करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि इस कानून के जरिए ज़रूरत पड़ी तो डिटेंशन सेंटर में सबसे पहले मैं जाऊँगा। इस पर आपत्ति है मुझे कि इसकी नौबत कहाँ आई, कब आई, क्यों आई, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन केवल ये शब्द इस्तेमाल करके उस एक विशेष बिरादरी के लोगों में ये भय पैदा करना और वो भय पैदा करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकना, जबकि इस बात की कहीं कोई न तो एक्शन है, न कोई रिएक्शन है, न कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जब ये बात कोई जिम्मेवार व्यक्ति कहता है तो ये भी सोचने वाली बात है कि इस तरीके का व्यक्ति ये बात कहता है। मोटे तौर पर जो मैंने परसों रात को जब उनको देखा, रात को 11:30 आप पधारे वहाँ और उस शहीद स्मारक पर एक समुदाय विशेष के लोग थे, आजू बाजू में भी वही लोग खड़े थे। जयपुर बहुत बड़ा है, राजस्थान बहुत बड़ा है, केवल चंद लोग जो तथाकथित विरोध करते हैं वो इस पूरे प्रदेश के 7 करोड़ लोगों की भावना नहीं है, जिसका उल्लेख गहलोत जी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम राजस्थान को अशांत नहीं बनाएं और इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं उस पर वो भविष्य में कहीं इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं हो कि हमारा शांत प्रदेश कहीं अशांति की तरफ नहीं चला जाए, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मेरी बात समाप्त हुई। देखिए, जो संवैधानिक तौर पर वो मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और वो कुछ भी कहने में सक्षम है, लेकिन मेरी आपत्ति उनकी भाषा पर, उनके आचरण पर है। और इसमें राज्यपाल महोदय कितना दखल करेंगे, क्या करेंगे, ये तो दिगर बात है, लेकिन मेरी आपत्ति आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने दर्ज कराई है। आवश्यकता पड़ेगी दूसरे फोरम पर बात करेंगे। नहीं, विधानसभा में क्या रोक रहेगा आपको? विधानसभा चल रहा है, पार्टी विधायक क्या रोक रहेगा? देखिए, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जब इन्होंने संकल्प पारित कराया उस समय एक बड़ी डिबेट हुई, हम लोगों ने उस समय बहिष्कार किया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया। और अलग अलग समय पर जब इसका उल्लेख होता है तो हम प्रतिकार करते ही हैं, तो एक संवैधानिक तरीके से जो हमारी मर्यादा उसमें हम अपनी बात रखते हैं। सीएम ने बोला है कि मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे और एनपीआर को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जो मेरे से कोई जानकारी पूछेंगे तो वो मैं नहीं दूंगा, चाहे मुझे डिटेंशन सेंटर में भेजे। यस, उन्होंने कहा कि मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा, यानी इससे बड़ा दम्भ क्या होगा। दूसरा, मुझे पता है मेरे माता पिता कहाँ पैदा हुए, मुझे पता है, यह शर्मनाक बात है कि उनको नहीं पता। दूसरी बात, हमारी सनातन परंपरा में लोग गया जी में, हरिद्वार में, पुष्कर में, हमारे जो परंपराएं हैं जब हम जाते हैं तो हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है,
वो रिकॉर्ड किसी कंप्यूटर से भी ज़्यादा प्रमाणिक रूप से संधारित होता है, उसको एविडेंस के रूप में न्यायालय में काम लिया जाता है। तो इस बात के प्रमाण की आवश्यकता, ये बात कहने की क्यों कही उन्होंने, किस संदर्भ में कही, मुझे पता नहीं। लेकिन 26 जनवरी को माननीय अशोक गहलोत जी अपने पिताजी की जयंती मनाते हैं, ये मेरे जानकारी में। सुप्रीम कोर्ट की अपने संवैधानिक मान्यता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जो मैंने बात रखी है यहाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर प्रदेश में अशांति फैलाना और इस तरीके की बातें करना, जिसका मैंने पीएफआई का सीमी का उल्लेख किया, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के और संसद से बाहर की इस तरीके की चीज़ें जो सीधे सीधे प्रदेश की शांति को खतरा पैदा करती हैं, लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करती हैं। आरक्षण को लेकर कुछ आरोप भी है कि केंद्रीय सरकार जो प्रमोशन आरक्षण है, तो देखिए, भारत के संविधान ने समता का, समानता का, बिना किसी लिंग, जाति और किसी भेद के इस देश में एक अधिकार दिया, और हमें खुशी है कि दुनिया में भारत का लोकतंत्र, इसको हमने अक्षुण रखा, प्रिजर्व रखा। संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए, संविधान ने बहुत सारे कर्तव्य बताए, लेकिन हमारे देश के अनेकों महापुरुषों ने, कोई एक दल नहीं और किसी एक बिरादरी के नहीं, बहुत सारे महापुरुषों ने ये सोचा कि ऐसे हमारे वंचित लोग हैं, उनको समाज की बराबरी में लाएं, मुख्य धारा में लाएं, उन लोगों को सक्षम करें जो निर्बल हैं, उनको आगे लेके आएं, और इसलिए आरक्षण की व्यवस्था हुई, सब लोगों ने स्वागत किया। कालांतर में अनेक अवसरों पर अनेक इस तरीके के वंचित तबके थे, उन तबकों को इस देश और प्रदेश में अवसर मिला, और वाजपेयी साहब ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ समाज उसमें ऐड किए। इस देश में एक बड़ी मांग थी, जो सामान्य वर्ग था जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, बड़ा क्रांतिकारी एक बदलाव आया, एक कानून बना और एक हक मिला कि इस तरीके के लोगों को मोदी जी की पहल पर भारत की संसद ने अधिकार दिया, और इस देश में एक अच्छा वातावरण निर्माण हुआ कि जिसमें सब लोगों को उनकी योग्यता, क्षमता और ज़रूरत के हिसाब से उनको नौकरियों में, बाकी संस्थाओं में आरक्षण का एक लाभ मिला। कुल मिलाकर एक पूरे देश में आरक्षण के नाम पे शांति थी। 2012 में उत्तराखंड की सरकार के दौरान, इस बात का और सबको ध्यान है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये जो 7 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसमें उसी आधार पर आया, और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके की कांग्रेस सियासत करती है, और वो सियासत उसी तरीके से बरकरार है कि कांग्रेस का ये चरित्र समझ नहीं आया कि एक तरफ तो वो 65% जो वंचित लोग हैं, विस्थापित हैं, उनके हकों के खिलाफ खड़ी है, दूसरी तरफ जब इससे पहले की अपनी सरकार की, उनकी अपनी उत्तराखंड की सरकार की, उसका जवाब नहीं देंगे वो लोग, लेकिन इसका केवल चुनाव से पहले राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके का धरने का पाखंड करना, तो मुझे लगता है कि इस देश में समस्याएं थी तो उनका समाधान भी हुआ है, इस मसले का भी समाधान, योग्य समाधान कानून करेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अनावश्यक रूप से ध्यान बटाने के लिए इस प्रदेश में और बहुत सारे मुद्दे मसले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर इसमें सियासत कर रही है। अच्छा, इस प्रमोशन में आरक्षण पर बीजेपी का क्या स्टैंड है, थोड़ा स्पष्ट कर दें। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है, और हम लोगों ने समय समय पर इसको, ये जो इसमें न तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पार्टी थी, केंद्र सरकार ने पार्टी थी, जो इस मसले में जो फैसला आया उत्तराखंड की सरकार के हिसाब से आया था, न इसमें कोई नोटिफिकेशन निकाला गया, जो याचिका दायर की गई 2012 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उसमें बीजेपी कहीं पार्टी नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है संविधान के आर्टिकल 16(4)(a) को समाप्त करने का केंद्र सरकार ने कोई नोटिफिकेशन या कोई आदेश जारी नहीं किया और न करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसकी सीमा केवल उत्तराखंड तक है, बाकी न तो कोई पॉलिसी डिसीजन है
और राज्य सरकारें इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बीजेपी का कोई कंसर्न साफ तौर पर नहीं है। थैंक यू जी। 20 तारीख को बजट आने वाला है और पुरानी जो बजट है कई सारी अतिरिक्त मंजूरी। मुझे साल भर किसी भी सरकार का एक बैरोमीटर होता है, सामान्य तौर पर लोग जश्न इसलिए मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, सरकार ने भी 100 दिन की मनाई, 1 साल की मनाई, लेकिन साल भर में सरकार का नज़रिया ये है, सरकार की परफॉर्मेंस ये है कि खाली डब्बा और खाली बोतल। इससे पहले के बजट में जो बात कही, जन घोषणा पत्र में जो बात कही, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बात कही गई, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है ये जो बजट होगा लीपापोती का होगा, लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन घोषणा जरूर कांग्रेस पार्टी करती है और केवल आज से नहीं करती है, ये पुरानी परंपरा है कांग्रेस के जन्म से लेकर और जितनी राजनीति करी है उन्होंने, तो कांग्रेस पार्टी घोषणा जरूर करती है लेकिन क्रियान्वित नहीं करती और इसी कारण वो राजनीतिक आशय पर चली गई। कल एक बड़ा घेराव की चेतावनी भाजपा ने दी है। देखिए, राजधानी में कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन का रवैया, उसके खिलाफ धरना हुआ और धरने का कॉल हुआ, तो हमारी जो स्थानीय यूनिट है वो इसको डील कर रही है और जैसा भी होगा हम लोग कम से कम जिस तरीके से इस शासन में अराजकता पैदा हुई है, जिस तरीके से लोगों को भयभीत करने की कोशिश हुई है, राजनीतिक तौर पर लोगों की बात दबाने की कोशिश हुई है, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि हम एक प्रतिपक्षी दल के नाते अपनी बात भी रखेंगे, प्रतिकार भी करेंगे और जो भी कोई व्यवस्था होगी 426 में से एक वादा पूरा नहीं किया, ये भी वो है, लेकिन इस धरने के बारे में मुझे लगता है कि अभी पार्टी की बैठक होगी और उसमें तय करेंगे। दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस की करारी हार हुई, एक भी सीट नहीं आई, आपको लगता है कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट फिर से खड़ा होगा? देखिए, ये राहुल गांधी जी जब तक रहेंगे ये संकट सबके लिए ही रहेगा, तो लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास के बुरे दौर से गुजर रही है कांग्रेस, क्योंकि उनके पास न तो मुद्दे बचे जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा है, न नेता बचा, न दिशा बची, इस समय कांग्रेस पूरे तरीके से नेतृत्वविहीन, दिशाविहीन, मुद्दाविहीन, इस तर्ज पर कांग्रेस काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है उससे कोई इस तरीके के चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा नमूना कई बार राहुल गांधी जी ने समय समय पर दिखाया है, क्योंकि चुनाव दिल्ली में चल रहे थे और भाषण जयपुर में दे रहे थे, तो मुझे लगता नहीं है कि जो परिस्थितियां कांग्रेस की निर्माण हुई हैं, एक बड़ी खेप चली गई और जिस जो खेप इस समय है वो सिवाय सियासत के करती नहीं है, ये ज़रूर है कि अशोक गहलोत जी के आचरण से जरूर लगता है कि वो राहुल गांधी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।